किशोरी तेरे चरणों में ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, आज सनातन परंपरा में ब्रज भूमि का और मथुरा जी का सब कुंडियों में एक स्थान रहा है और आज हम लोग वृंदावन धाम में आज कामदा एकादशी के दिन यहाँ पर यमुना जी की आरती के लिए एकत्र हैं और जैसा हमारे महाराज जी ने यह सभी लोगों से अपेक्षा की है कि यमुना नदी की अविरल धार जब तक है तब तक हमारी सनातन संस्कृति है, जिस दिन यह अविरल धार समाप्त हो जाएगी तो हमारी संस्कृति भी नहीं रहेगी। हम लोगों के लिए अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, यमुना माँ की जो अविरल धारा है उसको हमें बचानी होगी और हम लोग सभी यह शपथ लेते हैं कि अपने पर्यावरण के लिए यमुना मैया की अविरल धारा को हम लोग बचाएंगे और ऐसा कोई भी चीज़ यमुना जी में नहीं हो जिससे यमुना मैया प्रदूषित हो और इसके अंदर में जितने जीव जंतु रहते हो उनका कोई नुकसान हो। तो इसी शपथ के साथ हमारी पूर्ण अपेक्षा है जो लोग वृंदावन धाम आते हैं इस ब्रजभूमि में कि यमुना मैया की इस अविरल धारा को जिसके किनारे कान्हा और राधा खेले उसको हम लोग बचाए रखें। सर, वृंदावन में जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर पे लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है उसकी और सुरक्षा को और अधिक मुस्तैद करने के लिए इसलिए जो ये बंदोबस्त की बात है, ये जो वृंदावन बांके बिहारी जी में जो जगह है वो निश्चित है और वो एक जगह छोटी जगह है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कई गुना उसमें वृद्धि हुई और लगातार वो बढ़ते ही जा रही है। तो यह एक बड़ा चैलेंजिंग प्रश्न है जिस पर कि सिर्फ इसमें प्रशासन एक स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें जो वहाँ परंपरागत रूप से समाज हैं और जो लोग हैं वृंदावन धाम के रहने वाले ये सभी स्टेक होल्डर हैं और इसमें विभिन्न पक्षों के साथ हम लोग इसको ये जो समस्या है इसको हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि इंटरनेट और इन सब माध्यम से और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण अचानक वृंदावन धाम में और बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में लोगों की संख्या में आसानी वृद्धि हुई है और इसको लेकर के जगह जगह एसएसपी साहब और डीएम साहब मिलकर के जो होल्डिंग एरिया है उसको बना रहे हैं और हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि प्रांगण से पहले रखा जा सके वहाँ पर उसको होल्ड करके हम लोग रखेंगे ताकि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना।